नमस्कार, मैं ओमपाल प्रसाद, आप देख रहे हैं गुड विल न्यूज। आइए। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पालम थाने के दो कांस्टेबल्स झाबर और योगराज ने आज सुबह 5 बजे गांजा का एक यूज कंसाइनमेंट पकड़ा, जिसकी क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट 4 क्विंटल है। और इसके साथ 20 साल की मरिजुआना की जो गांजा के, इसकी सबसे बड़ी खेप दिल्ली में पकड़ी गई। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू करीब 2.5 करोड़ है और ये दिल्ली में कहीं बाहर से लाया गया था। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 11-12 केस हैं और पंकज का ये पहला इन्वॉल्वमेंट था। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताता हूँ, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने अपनी धमाकेदार कार्रवाई करते हुए अभी तक इस साल की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ है और इस नशे की मात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग 400 किलो है। जरूरी बात यह देखने की आती है कि इस तरह के नशे के जो पदार्थ है दिल्ली में पहुँच जाते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करते हुए उनको जब्त कर ले, पकड़ ले, तो निसंदेह कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात को रोका जा सकता है। आज सुबह पालम थाने के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दिल्ली की इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की, जिसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में आंका गया है करीब 2.5 करोड़ रुपए। और आज सुबह पालम थाने के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दिल्ली की इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की, जिसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में आंका गया है करीब 2.5 करोड़ रुपए। और नशे की जो मात्रा है उसको लगभग करीब करीब 400 किलो माना गया है और दिल्ली पुलिस की अब तक की इस कार्रवाई से अफसरों के भी हौसले उड़ाने, कहीं ना कहीं यह कार्रवाई अपराधियों पर लगाम लगाने में कामयाब साबित होगी। क्या